बीच सड़क चाकू मारने वाले आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपानिया से बीते कल शाम करीब 5 बजे दवा लेने जा रहे टाटा सुमो सवार राजगोपाल साकेत को आरोपी संतोष बंसल और मनोज बंसल ने चाकू मार दिया था और उनके पास रखे 4000 नकदी और वाहन लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस तत्काल आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटनास्थल पर पूछताछ में आरोपियों की पहचान हुई, जिन्हें देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही वाहन भी घटनास्थल से कुछ दूर बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनके पास से वाहन नकदी सहित लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों युवक पुराने अपराधी हैं, जिनके खिलाफ करीब आधा दर्जन अपराध के मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं चाकू के वार से घायल व्यक्ति की हालत सामान्य है। पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई थी कि 3 व्यक्ति जो टाटा सुमो से जा रहे थे, उनको 2 व्यक्तियों ने रोक के फिर उसके बाद उनके ऊपर हमला करके टाटा सुमो और पैसे उनके ले गए थे, जिसके बाद तत्काल उसमें पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। जो वहां के लोकल के अगल बगल के जो इस तरह घटनाएं करते हैं, उनकी पतासाजी वगैरह किया जा रहा था और लगातार एक्टिव होकर टीम्स लग के इसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में, ये मनोज बंसल और संतोष बंसल, इनसे हमको रिकवरी भी होगी टाटा सुमो की और कैश की भी, और इनके पुराने भी अपराध हैं और ये नशे की सामग्री के लिए इस प्रकार से इन्होंने ये अपराध करना पाया गया है, और इनसे और पूछताछ की जा रही कि और अन्य कोई इन्होंने अपराध किया है तो उसके बारे में भी पतासाजी इनसे की जा रही है। इनसे चाकू बरामद हुआ है। जो मनोज बंसल है उसके खिलाफ 7 अपराध हैं और जो दूसरा अपराध है जो राम संतोष बंसल, उसके 5 अपराध हैं। ये गाड़ी ले जाके ज्यादा दूर नहीं गए थे, एक जगह पे इन्होंने छुपाने की कोशिश किया था और फिर जब पुलिस ने उनको पकड़ा है तो उसके बाद जब पता रसी की तो वहीं से वो रिकवर हुए। उनको घायल की स्थिति स्टेबल है और वो कथन वगैरह भी उससे हमने लिए हैं और अब जो बाकी विवेचना में उससे हमको तथ्यों की आवश्यकता होगी वो भी उससे पता की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।